एक बार फिर उसी प्रकार का बिगुल बजाने का समय आ गया, क्योंकि मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, राजनीतिक नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। और मैं मेरी तकरीर शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यह अनुरोध करूंगा, वो 250 किसान जो मर गए, इस धरती मां के बेटे जिन्होंने अपनी जिंदगियां हमारे लिए दे दी, केवल उन सबके लिए नहीं जो इस सभागार में मौजूद हैं, इस प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के लिए जो मर गए, मैं सतबीर भाई से पूछ रहा, 46 साल थी, क्या मैं आपसे या मुझसे अगर कोई पूछे उसकी बेवा को, उसके बच्चों को, उनका बाप आप लाकर दे सकते हो, तो अपने पास कोई जवाब नहीं। एक एक व्यक्ति जो किसान आंदोलन में मरा, कोई पाई का था, कोई भाणा का था, कोई सरदा का था, कोई झज्जर से था, कोई रोहतक से था, कोई सोनीपत से था, कोई कुरुक्षेत्र से था, कोई जींद से था, कोई यमुनानगर से था। इसलिए मेरी तकरीर शुरू करूं उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा, देश की संसद में बैठे, देश की संसद में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी जी ने और बाकी सब लोगों ने, चाहे उन कुर्बान होने वाले किसानों का मजाक उड़ाया हो, पर आज इस सभागार में कम से कम हम एक मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। एक मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ओम शांति। मजदूर, किसान, दुकानदार एक बात जान ले, अगर ये लड़ाई हार गया तो मिट जाएगा, बचेगा नहीं। मजदूर, किसान, गरीब और दुकानदार ये बात जान ले कि ये लड़ाई अगर हार गए तो ना खेत बचेगा, ना खलिहान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना किसान बचेगा, ना दुकानदार बचेगा, और ना ये प्रदेश और देश बचेगा। मनोहर लाल खट्टर ने, दुष्यंत चौटाला ने, नरेंद्र मोदी ने खेत खलिहान के विश्वास की पीठ में खंजर घोपा है, विश्वासघात किया। लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला और नरेंद्र मोदी ने आपकी अगली फसल और आपकी अगली नस्ल दोनों मिटाने की जरूरत की है। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा ने यह दुस्साहस किया है कि वो आपके बच्चों के मुंह का निवाला छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आपका खून नहीं खोलता क्या? कोई आपका खेत खलिहान, खेती रोटी, जिंदगी, भविष्य छीन कर ले जा सकता? इसलिए दोस्तों, साथियों, ये कांग्रेस के झंडे के नीचे लड़ाई नहीं, ये इस तिरंगे झंडे के नीचे लड़ाई है जिसके अंदर करोड़ों 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 हिंदुस्तानियों का खून छुपा है। क्या है ये 3 काले कानून? आज तक शायद देश के सारे मेरे नौजवान भाई, किसान, गरीब और दुकानदार ये बात समझते तो हैं, इस पर शायद जानते नहीं। हमारे खड़े हैं प्रधान जी, जमीन आपकी सबसे नेड़े है, देखिए जब कटर लेने लगेगा अगर आप नारा नहीं लगाओगे तो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं स्वतंत्रता के पश्चात एक सबसे ज्यादा विभस्त और जन कल्याण विरोधी एक बिल है, तानाशाही से परिपूर्ण है और लोकतंत्र की मान मर्यादाओं के खिलाफ है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और उस सोने पर सुहागा ये है कि सरकार के
कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, सरकार कितना व्यथित, किसान कितना व्यथित है, किसान कितना द्रवित है इसको लेकर और पीड़ित है अपने भविष्य को लेकर, अपने नस्ल को, अपने जो आने वाली पीढ़ी को लेकर कि उसका भविष्य क्या होगा। पर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, देखिए जो शासक की अपनी जनता के साथ संवेदनशीलता नहीं होती, उनके उनके दर्द को नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि वो शासक है, वो तानाशाह है। और माफ़ कीजिएगा, ये सरकार और इसके मुखिया आदरणीय मोदी जी तानाशाही के प्रतीक हैं, पर्यावाची बन चुके हैं। वो छोड़िए कुछ जो चंद मोदी भक्त हैं जिन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, जिन्हें सिर्फ हरा ही हरा दिख रहा है, और वो भी किसी ना किसी क्षण ये महसूस करेंगे कि उनको वो भी छलावे की छलावे में रह रहे थे। और चीज़ें परतें खुलेंगी। मैंने जैसे कहा अपने उद्बोधन में कि हिटलर का भी पतन आया था, कभी कोई सोच नहीं सकता था हिटलर के शासनकाल में कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा जब अपने अपने चरम पे था, जब अपने उरूज पे था, जब अपनी बुलंदी पे था। अंग्रेज सरकार को भी कभी गुमान नहीं था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन में, जिस सरकार में, जिस शासन में सूरज नहीं डूबता था, पर पतन उसका भी आया। तो ये तो अभी 3 में ना 13 में है, माफ़ कीजिएगा। और इस गांधी परिवार जिसने हमेशा इस देश की सही, तो देखिए देशभक्त वो है जिसकी कुर्बानियाँ रही हों, जो हर वर्ग की, आप कैसे राष्ट्रवाद हो सकता है? राष्ट्र प्रेम का, देशभक्त का मतलब होता है देश में जो भी है, हर प्राणी है, हर जो भी चीज़ है, उससे आपको, इस मिट्टी से कहते हैं ना हमें, जहाँ हम पैदा होते हैं तो हम उस मिट्टी से प्रेम करते हैं। तो यहाँ तो ये लोग तो किसी वर्ग से भी घृणा कर सकते हैं, मानवता, जो मानवता के ये पुजारी नहीं है। राष्ट्रभक्त जो होता है वो मानवता का पुजारी होता है, गांधी परिवार मानवता के पुजारी हैं, इस देश के गरीब के हितों के रखवाले हैं, और इतिहास इस बात की पुष्टि करता है आदिकाल से। बात अनर्गल, बात आरोप लगाना तो किसी को भी लिए भी संभव है, पर तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। अभी वहाँ वेस्ट बंगाल में जाके भाषण दे रहे थे कि बंकिम चटर्जी के, उसके बारे में कह रहे थे कि उनका म्यूजियम जर्जर पड़ा है, तुरंत ही जो है मीडिया ने वहाँ पे उसको दिखा दिया कि वो तो बहुत अच्छी हालत में है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहनी है, जुमलेबाजी कहनी है, तथ्यहीन कहनी है और झूठ के से परिपूर्ण कहनी है, तो माफ़ कीजिएगा। और आपने सब जीता जागता उदाहरण तो आपने चीन के संदर्भ में देखा ही, जो चीन ने जो हमारे उस पे पेनोंग के लेक पे और जो जब देबांग प्लेन्स पे जब जो किया, तो उन्होंने तो ये कह दिया था 1 इंच पे भी कब्जा नहीं है, आपने देखा था। और अगले दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन 1 किलोमीटर पीछे हट गया है। तो अगर यही, अगर हमारे नेता राहुल जी से अगर कोई गलती से कुछ बात हो जाती तो कैसा तिल का पहाड़ बनाया जाता। पर किसी ने, मोदी भक्त ने ये नहीं कहा, किसी जिम्मेदार नागरिक ने ये नहीं कहा कि ये किसी भी प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप वक्तव्य नहीं। तो जल्दी वो होगी और एक सशक्त संगठन आपको देखने को मिलेगा, और जिसे कहते हैं कि जो वाइब्रेंट होगा, जो ख़ास तौर से जो इनकी जो तानाशाही, इनका कुशासन है, उसके खिलाफ हरियाणा से पूरे देश में आवाज़ बुलंद करवाएंगे।